स्पीकर के जरिए अनाउंस स्पीकर से अनाउंसमेंट करके भीड़ इकट्ठी कराई गई थी। क्या हुआ था अगर आप बता पाएं? सर, हम लोगों को ऐसा बताया गया कि स्पीकर से अनाउंसमेंट हुई है। वहां पे मस्जिद से जो मस्जिद से अजान जो होता है, अजान से वो लोग, जैसा हम लोग को बताया गया है कि अजान के समय ही वो लोग भीड़ इकट्ठा किया, अजान से, अजान वाले स्पीकर से वो लोग भीड़ इकट्ठा कर लिया। सर, मैंने कभी हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं देखा, मेरे डैडी ने भी नहीं देखा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो आए, लोग शेड्यूल कास्ट ये कास्ट वो कास्ट करते, मेरे डैडी ने सबको फैमिली बनाया और उनको लोगों ने मार दिया। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहीं पर नवरात्रे भी आरंभ होते हैं, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जिस विषय को हम लेकर के आए हैं, यह है बड़ा ही गंभीर विषय है और भारत तथा हिंदुओं के खिलाफ होने वाले षड्यंत्रों को उजागर करने वाला है। जिस प्रकार से लगातार पूरे भारतवर्ष के अंदर अलग अलग राज्यों में हिंदुओं के खिलाफ होने वाले षड्यंत्रों का खुलासा होता जा रहा है, उसके साथ ही साथ हिंदू साधु संतों और जानबूझ करके हिंदुओं के घरों, दुकानों, बहन बेटियों पर जो हमले बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये गृह युद्ध का संकेत कर रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी के खिलाफ ही 50,000 रुपये का जुर्माना रखा है, उन 26 आयतों को हटाने की याचिका को खारिज करते हुए जिनमें काफिरों के खिलाफ, गैर मुसलमानों के खिलाफ वो जहर उगला गया है जिसको आधार बना करके ये आतंकवादी हिंदुओं को मारते हैं, अपने क्षेत्रों से खदेड़ते हैं, अल्लाहु अकबर के नारे लगा करके इनकी पूरी की पूरी भीड़ गैर मुसलमानों को रातों रात मस्जिदों से ऐलान करते हुए भगा देती हैं, जैसे कि कश्मीर में हुआ। वीडियो के स्टार्टिंग में जो क्लिप आपने देखी है, ये बंगाल के SHO अश्विनी कुमार जी की बेटी है और इन्होंने बताया कि जो वहाँ के स्थानीय लोग थे और जो पुलिसकर्मी वहाँ से भाग करके आए, उन्होंने ये बात बताई है कि SHO अश्विनी कुमार की हत्या करने से पहले मस्जिद से ऐलान करके वहाँ से लोगों को बुलाया गया था, भड़काया गया था और उसके बाद अश्विनी जी की हत्या कर दी गई। अश्विनी जी की बेटी वहाँ पर कह रही है कि हमारी जो फैमिली थी वो सबको भाई मानती थी, परिवार की तरह मानती थी। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से पुलिस और हमारा कानून और हमारा पूरा का पूरा सिस्टम इस जिहाद को समझने में ना समझ रहा है, असफल रहा है। वो नहीं समझ पा रहा है कि इनकी किताब की वजह से पूरे विश्व के अंदर जो अभी तक कई 100 करोड़ लोगों की निर्मम हत्याएं की गई हैं, उनको हटाना समझना कितना ज़रूरी है। यही नहीं, 15 से अधिक देशों के अंदर ये लोग पूर्णतया बैन हैं। वहाँ पर इनके रिचुअल्स, इनकी पुस्तकें और इनके पहनावा, इनके यहाँ तक कि नमाज, मस्जिद, अजान, कुरान, ये सब कुछ बैन है। उन सब की नज़ीर भी हमारे देश का कानून नहीं लेता है। जिस प्रकार से SHO अश्विनी कुमार जी की निर्ममता के साथ में हत्या की गई, साथ ही साथ दिल्ली के द्वारका में ककरोला में स्थित एक मंदिर को नवरात्रि से पूर्व ही तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, राजस्थान में आए दिन इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। राजस्थान के पाली में सोमनाथ मंदिर के बाहर ही आपत्तिजनक यति स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती जी का पोस्टर चिपका दिया गया और उसके बाद में धमकी भी दी गई। यही नहीं, उसी राजस्थान में 12 के छबड़ा में गुर्जर समुदाय पर जानबूझ करके हमला किया गया और वो भी बिना किसी बात के। लाखों रुपए का सामान लूट लिया गया और करोड़ों की संपत्ति को जला करके खाक कर दिया गया। ये कंटिन्यू होने वाली जो घटनाएं हैं, इनसे हमें पता लगता है कि किस प्रकार राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश हो, लगातार यहां पर हिंसक घटनाएं किस नियोजित तरीके से बढ़ती जा रही हैं। आप सभी को पता है कि 15 से अधिक देशों में इस्लाम बैन है। आप सभी को यह भी पता है कि इस्लाम पर खुली चर्चा हो रही है और आप सबको यह भी पता है कि करोड़ों लोग अब एक्स मुस्लिम बन चुके हैं।
आप सबको ये भी पता है कि अली सिन्हा की अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद नाम की किताब ने इस पूरे संचार क्रांति के दौर में वो क्रांति लाई है कि जब मुसलमान खुद उस किताब को पढ़कर मोहम्मद जो इस्लाम के नबी हैं उनकी सच्चाई को जानकर इस्लाम को छोड़ रहे हैं। लोगों ने जो फ्री थिंकर्स हैं, जो तर्क आधारित बात करते हैं, जो दुनिया में फैले हुए आतंकवाद पर चर्चा करते हैं, उन लोगों ने भी कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति डिफेंड करना चाहता है इस किताब को, इन तर्कों को, इन तथ्यों को, तो हम उनको करोड़ों रुपए का इनाम तक देंगे। लेकिन हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व ये जानता है कि इस किताब के ऊपर आज तक किसी ने भी कोई सवाल नहीं उठाया है। लेकिन फिर भी हमारे देश का यह लुंज पुंज सा कानून हमारे देश को उसी मुगलिया सल्तनत में ले जाने के लिए आतुर है, इन आतंकवादियों को अपना दामाद बनाने के लिए इतना आतुर है कि वो ना केवल इस पर विचार करने की याचिका को खारिज करते हैं बल्कि उल्टा उन्हीं पर ही इल्ज़ाम लगाकर जुर्माना लगा देते हैं। जिस प्रकार से जगह जगह पर यति स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती और उनके समर्थकों के खिलाफ नारेबाजी बच्चा बच्चा कर रहा है, उससे यही लगता है कि मुसलमानों के दिल में केवल एक ही सपना है और वो है देश के अंदर शरियाई कानून की पुनर्स्थापना। लेकिन बुद्धिजीवी कहलाने वाले, दूरदृष्टा कहलाने वाले हमारे देश के कानून सिस्टम को यह बात नजर नहीं आ रही है। अब ऐसे में हम और आप भला क्या कर सकते हैं? जहां हमारे इस देश में पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक मस्जिदें केवल इस बात का पर्याय बन चुकी हैं कि वहाँ से अजान के बाद ये हुंकार दी जाएगी कि आओ काफिरों को मारें, जब उन लोगों को मारा जाता है तब भी हमारे कानून की आंखें नहीं खुलती हैं, तब हमको ये बात समझ लेनी चाहिए कि आत्मरक्षा हेतु हमें स्वयं ही खड़ा होना होगा। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ 1852 का कानून हमें आज 2021 में बचाने के लिए पूर्ण रूपेण अपंग की तरह खड़ा हुआ है। यदि आप सब भी इस षड्यंत्र को समझ रहे हैं, हिंदुओं के एकीकरण हेतु आप लोग भी कुछ कार्य करना चाहते हैं और जागरूकता लाना चाहते हैं, तो इस प्रकार के जितने भी वीडियोस होते हैं जिनमें सभी जगहों की वो सभी न्यूज़ आपको दी जाएं जो कि अक्सर प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया या फिर हमारा डिजिटल मीडिया नहीं बताता है, उसको सबके साथ में शेयर अवश्य किया करें। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। Oh,